वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, इसी के साथ में जो है हमारे जो खेतों की जो सब्जियां हैं वो भी तैयार हो गई है, यानी कि साग। तो देखिए, सरसों है और कुछ पालक है जो अभी छोटी छोटी है लेकिन साग के लिए काफी है। तो और कुछ सोया भी है, तो सोया जो है बीच बीच में था। और ये पहाड़ी सरसों है, देसी सरसों नहीं है, ये पहाड़ी है। और ये देखिए, मैंने कुछ कट भी कर लिया था यहाँ पर, ये देखिए धो के अच्छी तरह से। और ये सोया है, बस मेथी नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ है। और ये मैं काट रही थी इसको, मैं कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ कि आजकल हमारी सब्जियाँ तैयार हो चुकी है तो हम साग खा रहे हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लेती हूँ, फिर इसको कुकर में पकने के लिए डाल देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट और आयरन से भरपूर हमारा साग सब्जियाँ और सभी को खानी चाहिए। चलिए आज मैं भी बना लेती हूँ। अभी तो चावल वाला साग मैंने कट कर लिया है सारा ही, और अब मैं डाल देती हूँ इसको कुकर में पकने के लिए। तो अभी मैं सादा ही डालूंगी इसको, और 6-7 सीटी लगाऊंगी इसमें अच्छी सी, ताकि ये बिल्कुल गल जाए, या 4 सीटी लगाऊंगी बस इतना अपने हिसाब से। तो चलिए कुकर में डालते हैं इसको अभी। तो ये मैंने कुकर ले लिया है और इसमें डाल देते हैं अभी हम साग, और थोड़ा सा डालूंगी इसमें पानी, 1 गिलास या 1.5 गिलास के करीब। और ठंड में बहुत ही अच्छा लगता है साग खाना, और मक्की की रोटी बनाऊंगी साथ में। और अभी मैंने आग जला दी है चूल्हे में, तो बनाऊंगी अभी मक्की की रोटी भी। पहले इसको पकने के लिए रख देती हूँ ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और इसमें नमक मिर्च डाल दूंगी मैं सिर्फ इसमें, और थोड़ी सी हल्दी। और ये देखिए सोया जो है ना, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा और बहुत अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आएगी इसकी, और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने के लिए भी। तो मैंने सोचा मैं क्या चावल भी साथ में ही डाल देती हूँ, बाद में फिर मेरे को टाइम नहीं लगेगा इतना। तो मैंने चावल भी ले लिए, देखिए थोड़ी सी लिए मैंने 2 मुट्ठी के करीब, और अब मैं डाल देती हूँ इनको इसमें। साथ में डाल दूंगी इसमें नमक 2 चम्मच, 2-2.5 चम्मच के करीब आएगा, और हल्दी भी डाल देती हूँ। कुछ मैंने लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी तेज है ये इसलिए डाली, क्योंकि बाद में मैं तड़के में कट करके डालूंगी दूसरी वाली। और ये डाल दिया मैंने, और इसमें बाद में लहसुन जाएगा, अदरक जाएगा, वो मैं तड़के में डालूंगी। तो अभी डाल देती हूँ इसमें पानी। तो पानी मैंने ले लिया था, और ये देखिए इसके 1 लोटा डाल दिया बस मैंने। इसको कर देती हूँ मैं इस तरह से मिक्स, और चढ़ा दूंगी गैस पर 5-6 सीटी अच्छी सी आ जाएगी इसमें। उसके बाद निकाल के इसको अच्छे से घोट के फिर इसमें तड़का लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, साग हमारा हो गया है, और इसमें मैंने थोड़ी सी लस्सी दही डाल दिया, और 2 चम्मच जो है बेसन के डाल दिए हैं, और इसको मैं अच्छी तरह से घोट रही हूँ अब। और मैंने इसको ना मिक्सी में कर लिया था आज, थोड़ा इसको लिक्विड रखा मैंने मिक्सी में ना, इसको ग्राइंड कर लिया था। और बस अब लगाऊंगी इसमें मैं तड़का, थोड़ा सा बेसन पक जाए बस उसके बाद मैं तड़का लगाती हूँ इसमें। और हमारा जो है साग वो बिल्कुल रेडी है अब। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे तेल गर्म हो चुका है, और साथ में मिर्चें कट कर रही हूँ, और लहसुन की भी मैंने काफ़ी सारी कलियाँ ले ली है, और प्याज भी मैंने कट करके रखा है। और मैंने जो है हरी लाल मिर्च जो है मैंने जो है कैंची से काटी, ताकि हाथ में ना लगे क्योंकि बहुत तेज है। तो चलिए सबसे पहले हींग डाल देते हैं इसमें, और जीरा, और साथ में लाल मिर्ची, और अब डाल दिया मैंने इसमें प्याज। तो जो है लहसुन की कलियां, तो इनको मैं बीच में कट लगा के इसको कुंडी में पीस लूंगी, और क्योंकि कुंडी का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी आता है। साथ में इसमें मैं डाल दूंगी अदरक भी,
काट कर छोटा छोटा सा, तो वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको कूट लिया है और इसको डाल देते हैं अब इसमें पकने के लिए। तो जब अच्छा सा सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें जो डाल दूंगी मैं और मसाला इसमें। तो इस तरह से मेरा ये मसाला भी यहाँ पर रेडी हो चुका है और मैं जो हूँ अदरक काट लिया था वो भी इसमें डाल दिया है। अब साग जो है आजकल सर्दियों में, मतलब ये है कि हफ्ते में एक बार तो बनना ही चाहिए जरूरी। इसमें आयरन कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और खनिज भी होता है, तो मतलब सारी चीज़ें मिक्स करके सब कुछ हो जाता है, मिल जाता है। और मैंने जो मिक्सी में इसको घोट लिया था और देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है इसमें साग का, तो बहुत ही टेस्टी सा साग बना था। आज मैंने इसको घोट के नहीं किया था कुंडी के मतलब सोठे से, आज मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था क्योंकि मैं थक चुकी थी। तो मैंने थोड़ा सा, मैं कहा चलो जल्दी से काम हो जाएगा। तो ये जो टाइम होता है शाम के खाना बनाने का, तो गांव में ऐसे होता है कि इस टाइम को मतलब सारी लेडीज़ें ना बहुत थक के चूर हो जाती है, तो खाना बस पक जाए वही बहुत होता है। लेकिन खाना जो है हम बहुत ही प्यार से और बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। और देखिए हमारा चटपटा सा साग जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है और साथ में पक रही है मक्की की रोटी, तो उसके साथ भी हम इंजॉय करेंगे। और आगे भी आप वीडियो देखते रहे और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मेरी आग जल गई थी और मैंने फटाफट से रोटी बना ली है और मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाई इसमें, ना ही मैं दिखा पाई बात का, क्योंकि बस उस टाइम ऐसा होता है शाम का कि बस खाना पकाया और एकदम से खा लिया। मेरी जो है बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी फ़ोन की, तो इस वजह से ये चार्जिंग पर था। मैंने खाना निकाला और हम सबने खा लिया, डिनर हमारा हो गया था। और अब हम बर्तन वगैरह जो है सारे धो के फारिग हो चुके थे। खाना बहुत ही टेस्टी और यमी यमी सा बना था हमारा साग जो है, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। आइए और आप सभी मक्की की रोटी और सरसों का साग खा लीजिए। और ये देखिए यमी यमी सी हमारी रोटी जो है तैयार हो चुकी है। और ये मक्की का आटा मुझे मम्मा ने दिया था बाहर से, तो वही मेरे अभी तक चला है। वैसे हमारे भी मक्की होती है तो वो भी पीसने को है, लेकिन ये मम्मा ने दिया था घर से तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप खाना इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।